2022 खत्म होने को आया है और लोगों को हर महीने के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में जानने को बहुत पसंद आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा जो कि अपकमिंग तो थे लेकिन वो इस साल आए ही नहीं या फिर लॉन्च होने वाले नहीं है, कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है उन स्मार्टफोन्स को लेकर। शुरुआत करते हैं वन प्लस से। वन प्लस के तीन अपकमिंग स्मार्टफोन्स थे, वन प्लस 10, वन प्लस 10 अल्ट्रा और वन प्लस नॉर्ड 3। वन प्लस 10 और वन प्लस 10 अल्ट्रा तो अभी आने वाली नहीं है क्योंकि 7 फरवरी को वन प्लस 11 5G लॉन्च होने वाला है इंडिया में। और वन प्लस नॉर्ड 3 तो जरूर आएगा क्योंकि नॉर्ड सीरीज जो है वो बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन इसका कोई अपडेट कंपनी की तरफ से अभी तक नहीं आया हुआ। वन प्लस नॉर्ड 2 जो है वो 14 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ था इंडिया में। उसके बाद नॉर्ड 2 के बहुत सारे फोन्स लॉन्च हुए कंपनी की तरफ से, देखते हैं 7 फरवरी को नॉर्ड 3 सीरीज लॉन्च होती है या नहीं। उसके बाद सैमसंग जो है उसका M23 5G और A23 5G ये दो अपकमिंग स्मार्टफोन्स थे, लेकिन इसका भी कोई अपडेट नहीं है कंपनी की तरफ से। ये दोनों ही स्मार्टफोन ग्लोबली अवेलेबल है। जो लेटेस्ट स्मार्टफोन है ए सीरीज का वो है A04 और एम सीरीज का M04। तो देखते हैं A23 5G और M23 5G ये दोनों फोन इंडिया में लॉन्च होते हैं या नहीं अगले साल। इसके बाद बात करें Xiaomi इंडिया की, तो Xiaomi की जो 12 सीरीज है उसके बहुत सारे अपकमिंग स्मार्टफोन्स थे, Xiaomi 12, 12 Ultra, 12 Lite, 12X, लेकिन इनमें से कोई भी स्मार्टफोन इंडिया में नहीं आया। कंपनी ने भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया इन स्मार्टफोन्स के बारे में। 12X और 12 ये दो स्मार्टफोन चाइना में अवेलेबल है। इसके बाद Xiaomi 12T सीरीज भी अपकमिंग थी जिसमें 12T और 12T Pro ये दो स्मार्टफोन्स आने वाले थे, जिसमें से 12T Pro जो है वो ग्लोबली अवेलेबल है। इसके बाद और एक सीरीज Xiaomi की Xiaomi 12S सीरीज ये भी अपकमिंग सीरीज थी, जिसमें से 12S Ultra जो है वो चाइना में अवेलेबल है। इसमें 1 इंच का कैमरा सेंसर था। तो यह जो तीनों अपकमिंग सीरीज थी Xiaomi की तरफ से उनमें से कोई भी फोन लॉन्च नहीं हुआ सिवाय एक फोन के, Xiaomi 12 Pro। बाकी के जो फोन से उनके बारे में कंपनी ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, तो देखते हैं ये इंडिया में आते हैं या फिर नहीं। Redmi का भी एक स्मार्टफोन था Redmi K50 Ultra जो कि चाइना में अवेलेबल है, लेकिन ये भी इंडिया में नहीं आया। तो देखते हैं ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है या नहीं। कंपनी ने कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया इस स्मार्टफोन के बारे में। इसके बाद पोको की बात करें तो पोको का F4GT, X4GT, M5US ये तीनों ही स्मार्टफोन ग्लोबली अवेलेबल है, इंडिया के लिए अपकमिंग थे स्मार्टफोन, लेकिन तीनों ही स्मार्टफोन को लेकर कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। बात करें मोटोरोला की तो मोटो का S30 लाइट, S30 न्यू, X30 प्रो, S30 प्रो और मोटोरोला फ्रंटियर ये जो स्मार्टफोन है ये 200 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आने वाला था, लेकिन इसकी जगह S30 अल्ट्रा लॉन्च हो गया इंडिया में। लेकिन ये जो फ्रंटियर स्मार्टफोन है ये ग्लोबली भी अवेलेबल नहीं है। इन सभी मोटोरोला स्मार्टफोन में से X30 Pro और S30 Pro ये दोनों ही स्मार्टफोन चाइना में अवेलेबल है। इसके बाद बात करें Vivo की तो Vivo के तीन स्मार्टफोन अपकमिंग थी, Vivo X Note, Vivo X Fold, Vivo X 90 सीरीज। इसमें जो X Note और X Fold ये दोनों स्मार्टफोन ऑफिशियली ग्लोबली कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है Vivo की तरफ से, और जो X 90 सीरीज है वो तो आएगी लेकिन कब आएगी ये कंपनी ने अभी तक ऑफिशियली नहीं बताया। इसके बाद बात करें Oppo की तो Oppo की Reno 9 सीरीज और Oppo Find X 5 सीरीज ये दोनों अपकमिंग सीरीज थी इंडिया में, लेकिन जो Find X 5 सीरीज है वो लगता है इंडिया में आने वाली ही नहीं है। देखते हैं अगले साल क्या होता है इस सीरीज का। Reno 9 सीरीज जो है वो आने वाली तो है लेकिन कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। बात करें IQ की तो IQ का Neo 6 Pro 10 सीरीज या फिर 10 Pro 5G इसी के साथ Neo 7 ये सारे अपकमिंग स्मार्टफोन थे। तो 10 सीरीज या फिर 10 Pro 5G जो स्मार्टफोन है ये दोनों स्मार्टफोन तो लॉन्च होने वाले नहीं है क्योंकि IQ 11 5G आ रहा है इंडिया में 10 जनवरी 2023 को। ये जो दो स्मार्टफोन है Neo 6 Pro और Neo 7, तो मैं आपको बता दूं IQ ने Neo 6 के बाद कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया, तो ये स्मार्टफोन भी अगले साल आएंगे या नहीं इसके बारे में देखते हैं अगर कंपनी ऑफिशियल अपडेट देती है तो। इन सभी अपकमिंग स्मार्टफोन में से कुछ स्मार्टफोन ग्लोबली अवेलेबल है, कुछ स्मार्टफोन चाइना में अवेलेबल है, कुछ स्मार्टफोन तो ग्लोबली भी अवेलेबल नहीं है, फिर भी इनके बारे में रूमर्स या फिर लीक्स आ रहे हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।